अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? होप आप कैसे आप सब लोग होप आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज बनेंगे सिंपल नारियल की चटनी। नारियल का जो सूखा वाला सॉरी कच्चा वाला जो नारियल होता पानी का वो ले लीजिए आप लोग। उसको इस तरह से क्लीन करके रख दीजिएगा। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ एंड हरी मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालिए। हाफ बंच करिया पक, हाफ बंच पुदीना एंड 1 बंच कोथमीर डालेंगे अपन एंड थोड़ा सा जीरा एंड थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। पैन में थोड़ा सा ऑयल डालिए, देन थोड़ा सा जीरा एंड लहसुन। ये थोड़ा सा सॉटे होने के बाद आप दूसरे आइटम चाहिए। लहसुन थोड़ा सॉटे हो गया तो हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड थोड़ा सा दूध है हो जाइए। ग्रीन चिली डालने के बाद चिली और फिर थोड़ा सा चने भी डाले अपन तो थोड़ा सा चीनों को रेड होने देना है। देखिए ग्रीन चिली अच्छे हो गए। अभी हम करिया का कोपरा डाल दिए। कोपरे को थोड़ा सा नॉर्मल सॉटे करना है, ज़्यादा नहीं। साथ में आप कोथे पुदीना भी डाल दीजिएगा 2 मिनट सॉटे होने के बाद। तब एक साथ डाल के अलग अलग भी बना सकते हैं, सब चीज़ अलग अलग भून के। कोपरा थोड़ा कलर चेंज होते ही हम कोपरा से डाल देंगे। आप इमली को इस तरह से भिगा के रखिए, नमक डाल के ठंडा करके पीस लीजिए। अपन यहाँ पर 1 चम्मच अपन नमक डालेंगे एंड जितनी इमली भिगे उतनी हाँ ज़्यादा डाल देंगे। डाल के फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने के बाद ग्राइंड करेंगे। देखिए अपन ब्लेंडर जार में डाल के इसे अच्छे तरह से ग्राइंड कर लेके बगा लेंगे। ये देखिए ग्राइंड होने के बाद इस तरह का पेस्ट आएगा। वाटर का कंसिस्टेंसी देख के आप ग्राइंड कर सकते। थोड़ा सा नमक या मिर्ची सब ये स्टेज पे चेक करना है। तो हम सिंपल सा बघार डालेंगे। अभी वही पैन में हम सिंपल सा बघार डालेंगे। देखिए लहसुन को थोड़ा सा होने देंगे अपन। थोड़ा सा लहसुन होने के बाद इसमें देखिए माश की दाल 2 से 1 हाफ़ टी स्पून, हाफ टी स्पून ज़ीरा एंड थोड़ा सा रेड चिलीज डाल के आप थोड़ा सा रेड कर लीजिएगा इनको। इन्हें रेड होने के बाद अपन करिया पक डालेंगे। देखिए करिया पक डाल के क्लोज कर दीजिएगा। देखिए अपने नारियल की चटनी रेडी हो गई इंस्टेंट जल्द से जल्द। तो इसको प्लेटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह सर्व कर दे सकते। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्ट भी बहुत ही अच्छा। आप इडली के साथ या उपमा चटनी सॉरी डोसा या किसी के भी साथ आप सर्व कर सकते। इस तरह से सर्व करिएगा, माशाल्लाह हर किसी को बहुत पसंद आएगी, मिनटों में बन जाने वाली। अगर आप इसमें कोथमीर पुदीना डालेंगे तो इसका टेस्ट एनहांस होता, अदरवाइज ये नॉर्मल फीकी फीकी लगती। सो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक देखते रहिएगा फ्लेवर्स ऑफ टेक। जजाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।